हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अमरनाथ दर्शन करने के लिए। तो मैं हूँ रास्ते में अभी, और आपको दिखाऊंगी वहाँ का यात्रा, मैंने वहाँ पे कैसे दर्शन किया और क्या था, कैसा था। ये अमरनाथ का मुख्य द्वार है, और द्वार से हम अंदर गए हुए हैं। तो एक भैया थे, उनके पास बेलपत्र और पूजा का कुछ सामग्री था, तो हम लोगों ने पहले ही पूजा का सामग्री ले लिया था। और अभी हम गेट पे पहुँच गए हैं अमरनाथ के, और वहाँ पे चप्पल रखने की वगैरह व्यवस्था थी, तो हम लोगों ने रखा और अंदर की तरफ प्रवेश किया। बहुत लंबी लाइन थी, तो लाइन में हम लोग भी ये हो गए, लाइन लगा लिया था, और दर्शन भी अच्छे से हो गया। अंदर का वीडियो हम नहीं बना पाए हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल कैमरा चालू करना अलाउड नहीं था। तो दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए थे, तो अंदर का वीडियो नहीं बना पाए थे। अभी फ़िलहाल तो हम लाइन में हैं, और ये सीन वहाँ का कुछ बाजू का है, और वहाँ पे जो दिख रहा है वो देवी माँ का मंदिर है। और जहाँ वो सब लोग, ये दीवाल है, दीवाल के पीछे एक बहुत प्राचीन, पांडवों ने बनाया था एक जलाशय है, बहुत प्राचीन है वो जलाशय, मंदिर है ये सब। उसका वीडियो हमने शॉर्ट में डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वो प्राचीन जलाशय का भी हमने वीडियो बनाया। तो हल्की हल्की हो रही थी बारिश, और बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अलग ही दुनिया में आए हुए हैं। और ये भगवान के मंदिर का कुछ ऊपर का सीन है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा दिख रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हम अंदर की तरफ हैं, एकदम अंदर जा चुके हैं, और अंदर भी अंधेरा था, और मंदिर के अंदर से भी पानी टपक रहे थे, तो अजीब सा, मतलब अलग ही लग रहा था वहाँ का। ऐसा लग रहा था किसी और दुनिया में आए हुए हैं। और ये वहाँ की कुछ शिल्प कला है। और अभी हम दूसरे दरवाजे से बाहर आ चुके हैं भगवान का दर्शन करके, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो थोड़ा वीडियो बना पाए थे, और कैमरा हमने बंद कर दिया था। अभी ये दूसरे दरवाजे से हम लोग बाहर आ गए हैं, और यहाँ हम खड़े थे। ये वहाँ पे एक छोटा भगवान का शिवलिंग है, जहाँ दर्शन करने के लिए जाना था, तो हम यहाँ खड़े थे, तो हम वीडियो बनाने लगे कि हम थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, हल्की बारिश भी हो रही थी, तो और ही। आखिरकार हमारा अच्छे से भगवान का दर्शन हो चुका था, और हम बाहर की तरफ खड़े थे। और ये है वो छोटा शिवलिंग जो हमने अभी दिखाया आपको, और वहाँ पे भी हमारा अच्छे से दर्शन हो गया भगवान जी का। और अभी हम वीडियो बनाने में लग गए, क्योंकि वहाँ की जो शिल्प कला थी वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी, और बहुत ही प्राचीन थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग सा ही लग रहा था। तो हम यहाँ पे वीडियो बनाने में लग गए थे, और हम दोनों वीडियो भी बनाए और अपना फ़ोटो वगैरह खींचे। चलो, तो अभी हम फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा वीडियो बन रहा था, हमें पता भी नहीं चल रहा था। वहाँ का टेंपल बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग को भी टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर। चंदेल वंश के राजा थे जो मंदिर का निर्माण करवाए थे, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और ये जलाशय है जो पांडवों ने जलाशय का निर्माण किया हुआ था, और उनके उपयोग के लिए पानी यहाँ इकट्ठा करते थे। बाकी इसके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ जानकारी नहीं है, इतना है जो मैं आपको बता रही हूँ। मंदिर की दूसरी तरफ ये कुछ अलग ही नज़ारा था। यहाँ देखो, गंगा जी की तरह एकदम पानी बह रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा था। उधर भी पत्थर था बहुत बहुत बड़ा, और वहाँ पे शिवलिंग और वगैरह पूजा वगैरह किया गया था, जो दिख रहा है आपको येलो और रेड में। और यहाँ स्त्रियाँ घुस के जो कपड़े धो रही थी, और यहाँ का भी फीलिंग्स बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था हम एक अलग ही जगह आए हैं। हमारा दर्शन भी हो गया, और हमारा घूमना फिरना भी हो गया, तो अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। तो ये है पुल जो हम पार करके भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, और अभी वो क्रॉस करके हम, टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर जाइए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।